नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल मिस्टर इंडियन ओएस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्मार्ट गैजेट की जो सबके घर में होना चाहिए, या तो फ्यूचर में आएगा या तो कोई लोग रखेंगे भी नहीं रखेंगे, आई डोंट नो। तो ये जो गैजेट है वो स्पेशली उनके लिए यूज होता है जो जिसके घर पे हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों जॉब करते हो, या तो किसके घर पे ओल्ड पीपल रहते हो, बूढ़े लोग रहते हो, तो वो स्पेसिफिकली उनके लिए यूज आता है। तो ये जो स्मार्ट गैजेट का नाम है उसका नाम है स्मार्ट रोबो वैक्यूम क्लीनर। कई लोगों को भरोसा नहीं किया ये मशीन काम भी करती होगी, कई लोगों को भरोसा होता है कि हाँ भाई ये तो करनी चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा, जितना हुआ उतना कवर अप करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था इस चीज की, टीपी लिंक टेपो मेगा स्लिम लाइडर नेविगेशन रोबोट वैक्यूम एंड मोप। इसका मॉडल का नाम है टीपी लिंक टेपो RV20 मोप। ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये बेसिकली काम करता है झाड़ू और पोछा करने में। तो मैं इसको 3 से 4 दिन, समझ लो ना 5 दिन हो गया मैं इसको यूज कर रहा हूँ। मैंने पिछले टाइम मैंने टीपी लिंक टेपो RV10 भी मंगाया था, उसके बाद मैंने आई लाइफ V3 मैक्स मंगाया था। तो वो दोनों में क्या मजा नहीं है, वो एक पहला मंगाया था वो था 13,000 का, दूसरा मंगाया वो था 17,000 का, ये मैंने मंगाया 20,000 का। तो उसमें और इसमें काफी सारे फंक्शंस का फर्क था, तो चलो आज मैं उसको भी बता देता हूँ। तो इसमें जो ये जो इसका जो सक्शन पावर है वो है 2700 PA पावरफुल सक्शन। और इसके इसका एक फायदा क्या है, इसके आजू बाजू में 2 ब्रश दिए हो, किसी में एक दिया होता है किसी में 2 दिया होता है। ये बेसिकली काम करता है जेड वाले सिस्टम पे ऐसे ऐसे करके। बाकी दूसरे जो देख लो इससे सस्ते आते हैं, वो कैसे भी घूम के चले जाते हैं। इसमें काफी सारे फंक्शन है कि आप इसके अंदर मैप भी बना सकते हो, अपने 4 मैप आप सही कर सकते हो। जैसे कि आप जो जिसके बिल्डिंग टेनामेंट होगी उसके लिए कोई काम का नहीं है, मेरा टेनामेंट है मैं तो जस्ट ऐसे लाया हूँ। जिसके पूरा घर जैसे कि फ्लैट है तो उसके लिए ये बेसिकली काम की चीज है। इसका जो इसके अंदर 3 टाइप के लेवल होते हैं, सक्शन लेवल का जैसे मतलब थोड़ा मीडियम, फिर टर्बो, फिर वेरी टर्बो, ऐसा कुछ होता है, और क्लीनिंग का भी वगैरह वगैरह जो मैं आपको आप में समझाऊंगा। तो ये जो प्रोडक्ट है वो है ये जो है ये आप सामने देख सकते हैं, ये है मेगा स्लिम लाइडर नेविगेशन। ये जो आप जो खड्डा देख रहे हैं इसके अंदर से ये पूरा मैप डिजाइन करता है। ये थोड़ा मैला हो गया, मैंने अभी यूज करके रखा। और ये है इसके 2 ब्रशेस जो ये घूमते हैं, और ये इसके टायर, और ये जो है जो इसको इधर उधर घूमने में मदद करता है, और ये है इसका ब्रश। और जो आप पीछे ये जो खाली देख रहे हो इसके अंदर आएगा डस्टबिन, ये डस्टबिन आएगा, और ये वाटर टैंक आएगा। वाटर टैंक जो है वो है 300 ml का वाटर टैंक है। और जो इसकी जो नॉइस आती है जो साफ सफाई करता है तो उसमें है 53 dB। मैंने यूज किया 53-43 जो भी ऊपर बढ़िया है, जो पिछले 2 रोबोट यूज किए थे उससे तो काफी इसका बढ़िया सिस्टम है। तो ये जो है तो ये जो इसका छोटा सा डस्ट टैंक है, और ये है इसका वाटर टैंक, और इसके ऊपर इसको ऐसे बिठाया जाता है, और यहाँ से ऐसे ओपन करेंगे ओपन हो जाएगा। ये है इसका हैपा फिल्टर। और ये है इसका मोप। ये थोड़ा गंदा हो गया, मैंने अभी यूज़ किया, इसको यहाँ से ऐसे लगाया जाता है, बहुत नॉर्मल है। यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा सा लगाना है, और लगाने के बाद ऐसे फिट कर देना है, ये यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा। अब मेरे रूम के अंदर मैंने 2 से 3 बार चेक किया, मेरे रूम के अंदर ये पूरा भरने की ज़रूरत नहीं। जिसका बहुत बड़ा फ्लैट हो उसी के ये लोग मतलब ज़्यादा पूरा भर सकते हैं। कई लोगों का ऐसा भी होता है कि यार ये पोछा अच्छे से मार सकता है, हाँ ये पोछा अच्छे से मारता है, पर ये एक खैरा वैक्यूम रोबोट यहाँ की कोई इंसान, तो ये कोने में पोछा नहीं मारेगा। चाहे आप 1 लाख का लो, 1.5 लाख का लो, 2 लाख का लो, 50,000 का लो, 60,000 का लो, किसी का भी लो, ये कोने में पोछा नहीं मारेगा। ये कचरा जो है कचरा बहुत अच्छे से निकालता है, एक इंसान निकाले और एक इसमें निकाले बहुत फर्क है। और ये है इसका चार्जिंग डॉक। तो मैं इसमें जो भी नॉर्मल चीजें वो कवर करूंगा। तो ये फंक्शनिंग एक ऐसा करता है, इसके साथ एक ऐप आता है इसका टीपी लिंक टेपो करके, तो ये उसके साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना रहता है, इसके बाद ही इसका फंक्शन जो है वो सब शुरू होता है। तो चलो अभी मैं आपको इसको शुरू करके दिखाता हूँ। आप जैसे इसको शुरू करने का चाहोगे, पहले ये जो है इसका एक बटन है, पर इससे पहले हमें इसके डॉक को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। इसके डॉक का जो सिस्टम है ये जो है इसके इतना और इतना आजू बाजू इतने जगह पे कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा खाली होना चाहिए, ताकि ये इसको डिटेक्ट करके जा सके। तो चलिए अभी मैं आपको इसका डॉक का सिस्टम बता देता हूँ। यहाँ से इसको जो यहाँ पे ऐसे ही लगाना है, लग गया फिट। अब मैं इसको रखता हूँ नीचे। अब जैसे कि अब मैं इसको रखूँगा इधर दूर, और यहाँ से इसको मैंने शुरू किया, तो यहाँ पे पहले ये वाली लाइट होगी, थोड़ी देर में ये चालू भी हो जाएगा। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इसकी एप्लीकेशन को कैसे यूज़ किया जाता है। तो जो इसकी एप्लीकेशन है, सबसे पहले आपको अपने घर का वाईफाई कनेक्ट करना है। वाईफाई नहीं होगा तो ये मशीन आपकी कोई काम की नहीं है। तो ये देखिए इसके एप्लीकेशन को कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
आपको जाना है प्ले स्टोर पे, यहाँ पर लिखना है टैपो, और ये वाला जो है इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। ओपन करने के बाद आपको लॉगिन करना रहेगा, और यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं कर दूंगा रिसेट, क्योंकि मेरे में कनेक्टेड था। इसको 3 से 5 सेकंड तक दबा के रखना है, जैसे आप 5 सेकंड दबा के रखोगे इसकी यहाँ पे वाइट लाइट आ जाएगी और ये तीनों ब्लिंक करने चाहिए। तो अभी चलो इसको कनेक्ट करता हूँ डिवाइस। यहाँ पे हमको सर्च करना है आर वी, अपने प्रोडक्ट का नाम है RV20 MOP, और यहाँ से इसको नेक्स्ट 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 चालू करके नेक्स्ट करना है। ये ध्यान रखना कि ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट, ये देखिए पूछा LED लाइट ब्लिंक हो रही है, हाँ ब्लिंक हो रही है। तो यहाँ से भी क्लिक करना है, LED लाइट ब्लिंक हो रही है, और इसको इसके पास रख दो तो ढूंढेगा, ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा। ये देखिए अभी इसे कनेक्ट कर लिया। यहाँ से हमें इसके वाईफाई कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे क्लिक कर देना सेव पासवर्ड, धीरे धीरे यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लाइट भी ब्लिंक कर रही है, कॉन्फिगर किया, मतलब ये पहले से मेरे डिवाइस कॉन्फिगर था, तो मैं अभी इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। और इसका नाम इधर आप कुछ भी सेट कर सको, नेक्स्ट, लिविंग रूम सेव। तो मेरा एलेक्सा के साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, अगर आपके पास एलेक्सा होगा। अभी जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे, ये पहले फॉर्मेट चेक करेगा, भाई कोई नया फॉर्मेट नहीं आया है, तो मैंने इसको पहले अपडेट कर दिया। तो ये पूछा इसको कभी भी फॉर्मेट आए तो इसको अपडेट कब करना है, यहाँ से इसको गॉटेड कर दो और गॉटेड कर दो। अब ये क्या करेगा, पहले इसको हम घर भेजेंगे, क्या भाई तू पहले काम कर, तो पहले घर जा इधर। अरे ये लाल बटन इसलिए बज रहा है क्योंकि हमने इसका डस्टबिन इंस्टॉल नहीं किया। डस्टबिन पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके ऊपर एरर आ गई थी, चलो इसका डस्टबिन इंस्टॉल करते हैं। डस्टबिन इंस्टॉल हो गया, अब इसको भेजते पहले घर पे। देखो सबसे पहले अपना घर ढूंढेगा। तो जब सेंसर देख रहे हो, इसके अंदर एक लाल कलर का वो लाइट दिख रहा है, उस हिसाब से अपना घर ढूंढ लेगा पहले। ये चला गया चार्ज पे। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर जो भी चीजें आपको नटरी है, जैसे कि अभी कुर्सी नटरी है, तो उसको पहले आप हटा दीजिए, क्योंकि ये कोई परमानेंट यहाँ पे चीज नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टार्ट मैपिंग करते हैं। गया फोन, करेंगे स्टार्ट मैपिंग, स्टार्ट। अभी देखिए शुरू हो गया अपना काम करना। जब ये मैपिंग कर रहा हो तब आपको यहां बीच में नहीं आना है। ये देखिए अभी धीरे धीरे करके पूरे रूम की मैपिंग ले लेगा, और यहाँ पे पूरा मैप शो हो जाएगा। तो यहाँ से भी मैपिंग करना शुरू कर रहा है, हमें बीच में नहीं आना, तभी मैपिंग करेगा तब। तो देखिए गोल-गोल घूमते पूरा मैप डिजाइन बना रहा है फोन के अंदर। यहाँ से आपको एक और नई चीज़ बताता हूँ, वो आप जरूर देखिएगा। कई लोगों के माइंड में एक क्वेरी रहती है कि ये अगर स्टूडियो में जाएगा तो गिर जाएगा, पर ये ऐसा नहीं है। किस सिस्टम को बोलते हैं, एंटी क्लिप सिस्टम, मतलब कि ये नीचे नहीं गिरेगा। मुझे लग रहा है इसकी मैपिंग जो है पूरी हो चुकी है।
मैं अभी थोड़ी सी बाकी आई थी। तो भाई वापस कंफर्म कर रहा है कि भाई मैपिंग बाकी है कि नहीं बाकी है। आई थिंक इसकी मैपिंग पूरी हो चुकी है। रिटर्निंग टू द चार्जिंग स्टेशन, मैप क्रिएटिंग, रिटर्निंग टू द चार्जिंग स्टेशन। तो चलो अभी मैं आपको इसके सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि अभी ये रूम रूम कैसे बनाता है। तो इसमें ऐसा है कि अब ये जो है ये इसने तीन रूम में डिवाइड कर दिया। ये देखिए अभी कुछ मैप ऐसा दिखता है। अब जो ये आपकी खाली जगह देख रहे हैं, खाली जगह मेरी ये बैड आ गई, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ का आ गया, और ये जो है ये यहाँ के बाहर का आ गया। तो इसका मैं आपको फर्स्ट सिस्टम बताता हूँ कि इसको कोई स्पेसिफिक जगह जाके कैसे क्लीन करवाना है। जैसे कि मुझे अब इसको वहाँ कोने में भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, इस जोन में जाऊँगा। जोन में जाने के बाद ये दबाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, इसको स्पेसिफिकली यहाँ भेजना है, इधर उधर कोने में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सिलेक्ट करूँगा। मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दबाऊंगा प्ले। तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट ही वहाँ चला जाएगा। पहले एक बार देखेगा वो जगह किधर है। आप जाके ये zigzag मोड के अंदर क्लीन करेगा। वो क्लीन करके वापिस ही घर आ जाएगा। चलो तो अभी उसको वापिस घर भेज देते। दो बार एक बटन दिया गया होगा स्टॉप का, अभी वो ढूंढेगा और वापिस आ जाएगा। तो ये था कि कोई भी जोन में जाके आप इससे क्लीन करवा सकते हैं। तो अभी ये है कि रूम का सिस्टम, पहले एक बार ये घर पे आ जाओ। तो अभी मैं आपको इसके सिस्टम बता देता हूँ। यहाँ से थ्री डॉट है, यहाँ से आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल करके दिखा देता हूँ फटाफट। तो आज संडे है, तो फिर आज संडे को अभी मेरे को इसको अभी बजे 12:09, मैं इसको क्या करूँगा 12:10 के टाइम मैं इसको कर दूंगा PM। तो जैसे 12:10 होंगे, अभी 1 मिनट में हो जाएगा, वैसे अपने पूरी क्लीनिंग करना शुरू कर देगा। 12:10 हो गए और ये ऑटोमेटिक शुरू हो गया। चलो इसको वापिस घर भेज देते अभी। तो ये रूम हो गया। आप इसके अंदर ये भी चूज कर सकते हो भाई कैसा करना, वैक्यूम पावर फुल करना, स्टैंडर्ड करना, कि कसमक्स करना। पोर्टल अगर आप अंदर पानी डालोगे तब ये अपने आप ही अंदर डिटेक्ट कर लेगा और ये क्लीन रहेगा। कि आपको एक रूम कितनी बार क्लीन करना है, एक बार करना है, दो बार करना है या तीन बार करना है। वैक्यूम पावर अगर आपको लगता है कि भाई रूम के अंदर ज़्यादा कचरा है, वैक्यूम पावर जो मैक्स कर दीजिए। पोर्टल अगर आप पोछा करेंगे तो पोछा करने के टाइम आपको अपना वाटर लेवल भी सेट कर सकते हैं। और ये आ गया होम का सिस्टम। होम का सिस्टम में अगर आपको पूरा का पूरा ये जो है कोई भी सिलेक्ट किए बिना सारा घर पूरा साफ कर देगा। और ये जो आप बटन देख रहे हैं वो एक बार, दो बार, तीन बार। जोन, जोन के अंदर क्या है वो जो मैंने आपको बताया, कोई एरिया स्पेसिफिक एरिया में जाके क्लीन करना वो उसका जोन होता है। जैसे कि होम है, जैसे कि पहले आपको ये रूम क्लीन करना है, उसके बाद ये रूम क्लीन करना है, उसके बाद ये रूम क्लीन करना है। तो ये पहले यहाँ जाएगा घूम के, तो उसके बाद यहाँ पे सेकंड करेगा, यहाँ पे थर्ड कर देगा। और यहाँ पे स्पेसिफिक एक एक रूम को पूरा सेट करके कि भाई कौन से रूम में आपको ज़्यादा क्लीनिंग करनी है, तो रूम में जाना है, उसके बाद तो आपको ये रूम में ज़्यादा क्लीन करनी है, तो उस हिसाब से आप इसका सेटिंग सेट कर सकते हो। उसके बाद ये रूम में अगर दूसरी अलग करनी है तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ऐसे करके आपके कितने भी रूम में आप सारे आप सेट कर सकते हो। और तो इसमें भी कोई फंक्शन बचा नहीं है। दूसरा है रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर आपने टोटल कितनी क्लीनिंग की उस चीज़ का पूरा यहाँ पे डेटा आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैप, आप एक साथ यहाँ पे काफ़ी सारे मैप सेव कर सकते हो। फिर आ गया रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल कैसा है, तो सबसे पहले हमको यहाँ से जो है वो डॉक लीव करना पड़ता है, और इसको जैसा कि समझ के भेजना हो, जैसे मैं इसको बोलूँगा भाई तू आगे जा, तो ये आगे जाएगा। और फिर उसको बोलता है तू लेफ्ट जा, तो ये लेफ्ट घूमेगा, राइट जा, राइट घूमेगा, आगे जाओ, आगे जाएगा। तो आप इसको घर भेजना हो
तो ये घर दबाओ, ये ऑटोमेटिक घर चला जाएगा। जैसे कि जो इसका रिमोट कंट्रोल का सिस्टम है, रिमोट कंट्रोल में कैसा, जैसे कि समझिए अब आपको उसको वहां कोने में भेजना है, वहां पे जाके खाली अब जैसे यही टाइल्स करना, उसको स्पॉट क्लीनिंग करवानी हो तो यहाँ पे ये स्पॉट क्लीनिंग दबा दो। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा कचरा मैं बाहर से लेके आया हूँ, जैसे झाड़ू का तिनका हो गया, ये थोड़े बहुत ये हो गया, और एक और झाड़ू का तिनका इधर रखा है। तो अभी चलो इसको भी हम साफ सफाई कराते हैं फटाफट से। हम क्या करेंगे इसको इसको बोलते हैं तो रूम नंबर, ये जोन पे जाके, सॉरी रूम पे जाके, रूम पे जाना और रूम पे जाके रूम नंबर क्योंकि पूर्वो की स्पीड से फटाफट सफाई कर दो। तो यह भाई आए, गोल गोल घूमे और सफाई शुरू। ये इसकी आवाज है, ये कोने कोने में से भी अच्छे से साफ करता है। तो सबसे पहले इसका काम रहता है जितने भी कोने होते हैं वो सबसे पहले उसको पूरा क्लीन करेगा। इसके जो ब्रशेस है वो काफी बड़े, अब इसे देखो ऐसे करके तो ये पूरी क्लीनिंग करता है पूरे रूम की। अब मैं आपको पूरे रूम की तो क्लीनिंग नहीं बताऊंगा, तो मैं इसको वापस घर भेज के ये जो हमने कचरा किया है वे कचरा ये ले पाता कि नहीं वो देख लेंगे। सबसे पहले हम इसको घर भेज देंगे। तो हम अभी क्या करने वाले, जहाँ पे कचरा है जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने कचरा रखा है इधर थोड़ा सा, तो इसको साफ, इसको यहाँ बुला के पहले साफ करवा देते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे साफ करता है। बस अब यहां से इसको कर देते हैं स्पॉट क्लीनिंग। ये देखिए पूरा का पूरा कचरा इसने साफ कर दिया। अभी ये वहां पे भी जाएगा, जैसे इसने भी यहाँ से ये देखिए इसने ये इतना पूरा क्लीन कर दिया है। अब यहाँ का जो एरिया बाकी वो भी वहां जाएगा धीरे धीरे। ये देखिए इसको कैसे क्लीन करता है। ये कचरा तो इसने भी पूरा ले लिया, यहाँ पे इसने मैपिंग भी जो है खत्म कर दिया जिगजैग मोड पे। तो चलो अब इसको घर पे भेज देते। आप चाहे तो इसको घर पे भेज के भी आप इसका जो डस्टबिन है वो जो है क्लीन कर सकते हैं। तो मैं इसको घर पे नहीं भेज रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको प्रेस करूँगा, यहाँ से अब मैं आपको कचरा दिखाता हूँ। यहाँ से फिर इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करना है और यहाँ से फिर इसको यहाँ से मुंह प्रेस करना है, यहाँ से जो है इसका ये
डिब्बा खुल जाएगा। देखिए जो भी कचरा था वो इसने यहाँ ले लिया और थोड़ा बहुत जो कचरा वो यहाँ पे भी आ गया। तो अभी जैसे कि समझिए आपको हर संडे आपको क्या क्या चीज़ का मेंटेनेंस का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि जब आप समझे आज संडे है तो इसको इस रोबोट का कैसे मेंटेनेंस करना है, सबसे पहले तो आपको इसको बंद करना है। बंद करने के बाद आपको जो है इसको यहाँ से निकाल के इसको रख दीजिए साइड में, फिर यहाँ से इसको कोई कपड़े के नीचे या तो किसी के भी नीचे लीजिए मतलब गोदी में रखिए। उसके बाद आपको जो सेंसर देखा ये एंटी क्लिप सेंसर है, इसको यहाँ से ऐसे क्लीन करना है कपड़े से करना है, ये तीन सेंसर है और यहाँ से साफ करना। यहाँ से जो बाल है वो बाल आपको यहाँ से ये इसको एक्चुअली कैसा है इसको यूँ निकालते हैं धीरे से इसको स्लाइटली यहाँ से धीरे धीरे इसको आपको यहाँ से इसके बाल निकालने रहेंगे। हर संडे आपको इतना करना ही है, यहाँ से ये जो खोल के ये जो इसका ब्रश है वो भी आपको क्लीन करना जरूरी है। तो हर हफ्ते अगर आप क्लीन रखोगे तो फिर आपका रोबोट जो है काफ़ी अच्छा चलेगा। यहाँ से वापस इसको फिट करके का काफी ध्यान से इसको रखना रहता है। यहां से वापस इसका जो है ये इंस्टॉल कर दीजिए। तो वैसे इंस्टॉल करने के बाद वापस ये इसको ऑन दबाना है, 2-3 सेकंड या 5 सेकंड लेगा ऑन होने में। अभी ये थोड़ा ब्लिंक ग्रीन लाइट हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये अभी वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है। देखो व्हाइट लाइट आ गई, यहाँ से होम दबाओ और इसको जान दो घर पे है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी सवाल पूछना हो तो मेरा व्हाट्सएप पे मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें आप ग्रुप में ऐड हो जाना चैनल में, फिर आप वहाँ पर जो भी सवाल होगा मैं उसका जवाब दे दूंगा। बाय।